हमारे यहाँ रेगुलर पिज्जा, मीडियम पिज्जा, लार्ज पिज्जा सारे मिलेंगे। और ये मीडियम है, ये मीडियम है। ये देखिए बेस बनाया जा रहा है, बहुत बिजी है, देख सकते हैं लोगों के भीड़, काफी लोग की भीड़ लगी हुई है, बेल लगा हुआ। एक पिज्जा के साथ आपको एक पिज्जा फ्री मिलेगा। याद है टाइमिंग? टाइमिंग वही शाम में 4 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक जो होती है वो कस्टमाइज होती है। कस्टमर अगर चाहे क्रिस्पी करना तो क्रिस्पी कर देते हैं, चीज मोजरेला चीज यूज करते हैं। ये हमारा रेगुलर पिज्जा 99 से स्टार्ट होता है और लार्ज पिज्जा 449 का। हम लोग मैरिनेड पे बैठे हुए हैं, लेकिन वैसे भी टेस्ट खराब है नहीं, टेस्ट अच्छा ही है। हेलो गाइस, मैं हारून और आप देख रहे हैं देसी मिर्च इंडिया। अभी हम इस वक्त हैं पटना के मरीन ड्राइव पे। मौसम बहुत सुहाना है और इस सुहाने मौसम में हम आ चुके हैं एक पिज्जा कॉर्नर जिसका नाम है ब्रोस्टर पिज्जा। लगभग दिनों में ये स्टार्ट हुआ है, तो आइए आपको दिखाएंगे और यहाँ का पिज्जा किस तरह से बनाया जाता है। हेलो भैया वही बना दीजिए ना। ये ब्रोस्टर पिज्जा के ऑनर है, क्या नाम हुआ सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम रवि गुप्ता है। सर रवि जी, तो आप जो पिज्जा बनाते हो, ये पिज्जा बेस जो है ये रेडीमेड रहता है आपका? नहीं, हमारा खुद का बेस होता है। देखिए हमारा बेस रखा हुआ रहता है। अच्छा, ये जो बेस बना हुआ है ये हम खुद बनाते हैं, अपना खुद का बेस बनता है। और ये देखिए इसके अंदर जो है, ये देखिए बेस जो बना है पिज्जा निकल रहा है, ये अभी फ्रेश बेस आपने बनाया है। हमारे यहाँ रेगुलर पिज्जा, मीडियम पिज्जा, लार्ज पिज्जा सारे मिलेंगे। अच्छा, और ये देखिए दो पिज्जा इस तरह से जा रहा है, वन के अंदर सिंगल है, ये बड़ी वाली क्या डबल है पिज्जा है क्या? ये लार्ज पिज्जा, लार्ज पिज्जा है जी। और ये मीडियम है, ये मीडियम है। अच्छा, और ये स्मॉल पिज्जा है, सिंगल, स्मॉल सिंगल है, रेगुलर है। अच्छा, हमारे यहाँ पिज्जा जो होती है वो कस्टमाइज होती है। कस्टमर अगर चाहे क्रिस्पी करना तो क्रिस्पी कर देते हैं, फ्लफी अगर जिनको पसंद है फ्लफी भी करते हैं। ये देखिए तो पिज्जा जो है कट रहा है, ये मीडियम पिज्जा है, मीडियम चीज है, मीडियम चीज बस है। अच्छा, पकानी पनीर पिज्जा। अच्छा, और ये कौन सी है? ये भी चीज बस ही है, रेस्मी पनीर इसका नाम है। अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही कलरफुल पिज्जा लग रहा है। चीज आप कौन सा यूज करते हैं इसके ऊपर? चीज मोजरेला चीज यूज करते हैं। मोजरेला ही ना। ये देखिए इधर मेकिंग हो रहा है। ये आपने क्या डाला इसके ऊपर? चिल्ली पाउडर? नहीं, ये हमारा मसाला होता है स्पाइसी के लिए। और ये हो गया पिज्जा सॉस जी। हालांकि पिज्जा सॉस कर लीजिए। ये ऑनियन गया इसके ऊपर, शिमला मिर्च गया, पवन तेज है, ध्यान दीजिएगा पवन तेज है। अच्छा, ये देखिए ओवन, ये निकला, ये घर से खुद से बेस लेकर के आते हैं। बेस है हमारा खुद का, देखिए रवि जी खुद बेस बनाते हैं लेकर के आते हैं। ये कितने का डो रहता है एक पिज्जा में? मीडियम पिज्जा जो होती है हमारे, मतलब हम लोग अपने मेजरमेंट करके खुद बनाते हैं। आप वेट कर रहे थे? हाँ जी, वेटिंग मशीन से मेजरमेंट किया जाता है कितना होना चाहिए। एग्जैक्टली प्रॉपर छोटा प्लेट दीजिए तो भैया, नीचे एक आने का। देखिए उधर डो बन रहा है, इधर पिज्जा की मेकिंग हो रही है, तो हर का एक मेजरमेंट होती है हमारे यहाँ, सब आपको फ्रेश मिलने वाला है। ये मोजरेला चीज गया इसके ऊपर।
भारी मात्रा में चीज और ये कंप्लीट हो गया। अब ये गया ओवन के अंदर, अंदर चला गया। ओनियन बना दीजिए, ये ओवन में गया और फिर मार दीजिए। ये दूसरा पिज्जा गया। लार्ज पिज्जा का क्या प्राइस है? ये 400 का है भैया, 400 का। तो ये देख सकते हैं ये लार्ज पिज्जा है और 400 का है ये। ये देखिए देश बनाया जा रहा है, बहुत बिजी है, देख सकते हैं लोगों के भीड़, काफी लोग की भीड़ लगी हुई है, बेल लगा हुआ है। क्या है पनीर? मखानी पनीर क्या है? मखानी पनीर पिज्जा रेडी हो गया, कट रहा है। तो ये पिज्जा ब्रोस्टर का मेन्यू है। हाँ सर बताइएगा। ये हमारा रेगुलर पिज्जा 99 से स्टार्ट होता है और लार्ज पिज्जा 449 का। ये डिलक्स पिज्जा वेजी ओवरलोड का है, ठीक है। अच्छा ये जो है 99 में क्या क्या रहता है? ये रेगुलर सिंगल टॉपिंग है, ऑनियन होगा, कैप्सिकम होगा, गोल्डन कॉर्न होगा, मशरूम होगा। सिंगल का जो मीडियम साइज का आप दिखाए थे वो ये मीडियम साइज में अगर डिलक्स पिज्जा मिलेगा तो ऑनियन, कैप्सिकम, मशरूम, पनीर, ऑलिव, जलपिनो, रेड पेपरिका, कॉर्न विद 4 लेयर चीज। अच्छा अच्छा, वो कौन सा है? ये हमारा डिलक्स पिज्जा वेजी ओवरलोड पिज्जा। लेग्स पिज्जा का 249 का, ये मीडियम साइज मीडियम है, 299 का मीडियम चीज बस। अच्छा, और 449 का लार्ज पिज्जा है। अच्छा। उसके अलावा हमारा कस्टमर के लिए ऑफर भी है, मील है, मील 42 है। अच्छा, मील 42 है, 2 मीडियम वेजी ओवरलोड प्लस 1 मीडियम मैग्रेटा पिज्जा प्लस 1 वाटर बोटल, टोटल रेटी है 777, मतलब 777 रुपए, लेकिन ब्रोस्टर पिज्जा में मात्र 550 रुपए ले जाता है। अच्छा, तो ये जो है इनका जो है, उसके अलावा मंडे को हमारा चलता है गेट बाय वन पिज्जा का ऑफर। अच्छा, चलिए तो मंडे के दिन अगर आते हैं तो एक पिज्जा के साथ आपको एक पिज्जा फ्री मिलेगा। याद है टाइमिंग? टाइमिंग वही शाम में 4 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक। अच्छा, शाम में एवरीडे? हाँ एवरीडे। ऑफर चलेगा सिर्फ मंडे को, ऑफर ओनली फिर मंडे। तो मंडे को अगर आते हैं तो एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा आपको फ्री मिलने वाला है, और बाकी दिन जो है प्राइस वही रहता है बिल्कुल। चलिए ठीक। और ये मील ऑफर जो है ये सभी दिन चलता है। अच्छा, ऑनलाइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है ना? अभी जोमेटो स्विगी पर अभी है नहीं, मतलब अच्छा। प्रॉब्लम होता है राइडर लोग के साथ चलाने वगैरह, कितने कारण जोमेटो वगैरह बंद कर दिया। अच्छा सर, आप लोग पिज्जा खा रहे हैं, कैसा लग रहा है पिज्जा? अच्छा है, टेस्ट ठीक है, नॉट बैड। अपने दोस्तों के साथ नाइन टाइम घूमने के लिए आए थे तो सोचे कि पिज्जा टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट ठीक ठाक ही है। अब डोमिनो सूत्र मिलेगा नहीं क्योंकि हम लोग नाइन टाइम पे बैठे हुए हैं, लेकिन वैसे भी टेस्ट खराब है नहीं, टेस्ट अच्छा ही है। चलिए ठीक है, थैंक यू। दोस्तों मैंने पिज्जा खाया और टेस्ट अच्छा था, अच्छा लगा। और आप भी मरीन ड्राइव पे आए तो ज़रूर ट्राई कीजिए पिज़्ज़ा ब्रोस्टर का, टेस्ट अच्छा है और प्राइस भी बिल्कुल सस्ता ही है, बहुत ही कम प्राइस है मरीन ड्राइव के हिसाब से। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।